Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about theory of automata. Theory of automata is all about theory of automation. This concept is evolved in 1930 to 1950, where people and scientists think about the automation of objects, automation of physical things. So automata means automation of physical or mechanical objects. So we will learn briefly in this course about the automation of physical objects. But theory of automata specifically we will learn about the computational processes of a computer hardware. Recommended books are available. The book of Daniel is one of the most popular books available on the internet. I will definitely provide on the comment section as well. So all these books are very important. सबसे पहले computation understand करते हैं. Computation can be defined as finding a solution to a problem from given inputs by means of an algorithm. Computation processing of objects है. In case of mechanical device. और in case of computer hardware अगर हम बात करें तो उसी उन्हीं processes की processing को हम computation की term use करेंगे. पर computation हमेशा perform की जाती है किसी एक state से दूसरी state पे move करने के लिए, right? Transition perform करने के लिए, कोई input के ऊपर आप लोग transition perform करते हैं and you can move from one state to another, जिसको हम briefly आगे जाके डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि ट्रांजिशंस कैसे होती हैं, किस तरह से एक सिंगल इनपुट अब किसी भी वेरिएबल की कंप्यूटेशन से एक सिंगल वैल्यू से किसी भी एक सिंगल इंडेक्स को कंप्यूट करके आप लोग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस. देयर आर डिफरेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस. कोई भी फॉर्मल मॉडल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर हो सकता है. अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर की कहीं पे भी कोई टर्म आपके सामने नजर आए तो इट मींस कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अ हार्डवेयर कंप्यूटर जो आपके सामने उस वक्त कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है. मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मल्टीपल कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं. कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक जिसमें प्रोसेसर है, रैम है आपके पास, हार्ड डिस्क है, मोनिटर है, मल्टीपल इनपुट डिवाइसेज हैं जिसमें कीबोर्ड है, माउस है. तो कंप्यूटर जो है वो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. तो जब भी अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर की बात हो तो आप इससे ये अंडरस्टैंड करना है कि जब ये हार्डवेयर डिज़ाइन हो रहा था उससे पहले जो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना है, जो थ्योरेटिकल एक इमेज क्रिएट की गई है, जो थ्योरेटिकल प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दिस डिवाइसेस थी, जो राइट डाउन जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर था, या वो उसको आप अब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कह सकते हैं. या डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स, सीरियल मॉडल्स हैं हमारे पास, पैरेलल मॉडल्स हैं. सीरियल में आपके पास सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है और पैरेलल मॉडल्स में वी हैव डिफरेंट पैरेलल मॉडल्स लाइक मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट. नेक्स्ट वी हैव अ कंप्यूटेशनल डिवाइस. इन दिस स्टडी वी कंसीडर अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग. मैथमेटिकल मॉडल इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल में आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कुछ मैथमेटिक्स होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशन जो उन रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म करते हैं. यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और एक टोटल फिनोमेना ऑफ ट्रांजिशन परफॉर्म होता है. तो इसको हम डिटेल में आगे जाके भी देखते हैं. बैकग्राउंड क्या है थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन का. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस के 1930 से जो ऑटोमेशन एलन ट्यूरिंग ने डिफरेंट थ्योरीज दी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, हार्डवेयर को ऑटोमेट करने के लिए. उससे पहले सारे काम मैनुअली परफॉर्म हो रहे हैं. बहुत सारे दुनिया में इंजन जो काम कर रहे हैं वो मैनुअली उनको उनकी प्रोसेसिंग हो रही है. बट इन 1930s एलन ट्यूरिंग की अपनी थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. उसमें ट्यूरिंग मशीन है, उसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. जिस तरह उस दौर में दैट वाज द एरा ऑफ कन्वर्टिंग थिंग्स फ्रॉम
मैनुअल टू ऑटोमेशन, जिस तरह आप लोगों के पास स्टीम इंजन की इवैल्यूएशन हुई है 1930s में, और बहुत सारे इंजन्स को जो है ऑटोमेट किया गया, मैकेनिकल डिवाइस को ऑटोमेट किया गया, तो ये 20 ईयर्स वो दौर है 1930 से 1950 तक, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं कि चीज़ों को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो फिर जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, या जो फर्स्ट कंप्यूटर बना है, फर्स्ट जो कैलकुलेटर बना है वो एक्चुअली हैव अ साइज ऑफ लाइक अ रूम, और वो बेसिक फोर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, जो ENIAC कंप्यूटर था 1950s में डिज़ाइन होना शुरू हुआ, उसमें जो है वो फोर बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो सच काइंड ऑफ इनोवेशंस वर रियली हार्ड टू इनोवेट, लेकिन जब उनके आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो छोटा सा लैपटॉप या मशीन आपके सामने, इसकी इवोल्यूशन होने में, इसका जो इर्तकाई का अमल इसने गुजारा इतने अरसे में, दैट इज़ रियली हार्ड, और हमारे पास अब बड़ा ईजीली ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं, बट जब ये स्टार्ट हुई हैं कंप्यूटेशन और इनके बारे में सोचना और लैंग्वेजेस डिफरेंट डिस्कवर की हैं, डिज़ाइन किए, इनोवेट किए साइंटिस्ट ने, बाइनरी लैंग्वेजेस एंड ऑल अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, दैट वाज रियली हार्ड पार्ट टू डिस्कवर। दिस ऑटोमेटा ओरिजिनली प्रपोज टू मॉडल ब्रेन फंक्शंस, डेफिनेटली बाद में ब्रेन फंक्शंस पे काम हुआ, न्यूरॉन्स पे काम हुआ। अब ब्रीफ बैकग्राउंड और थ्योरी जो है वो अवेलेबल है इन ऑल दोज बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स मैंने आपको दी हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज, वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेजेस, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन एंड ऑल दैट। सो बट इन केस ऑफ कंप्यूटर वी हैव मैनी डिफरेंट कंप्यूटेशनल languages like binary languages, low level, which is we also call low level language. So additionally we have many high level languages as well, C++, C#, Objective-C, Python, Ruby and all that. Formal language, so we start from the formal language. By formal we do not mean dress up, not a formal thing, but we means a language with a form defined by rules that is, that say which strings are in the language and which are not. So in formal languages mein kya hoga, these are the languages that are composed of the strings, un strings ke upar kuch rules apply hue honge, koi bhi string us formal language ka part nahi ho sakta until unless that string pass through a formal set of rules, jo un set of rules ko follow kare वही स्ट्रिंग जो है वो उस लैंग्वेज का पार्ट हो सकती हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम क्या कहेंगे? फॉर्मल लैंग्वेजेस। और फॉर्मल लैंग्वेजेस और इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिंटैक्स, नॉट इन सिमेंटिक्स। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिंटैक्स हियर, नॉट सिमेंटिक्स। वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स, हमें उस सिंबल्स, उस स्ट्रिंग की फॉर्म क्या है, उस स्ट्रिंग में कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल हैं, हम उसकी फॉर्म जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सिमेंटिक लैंग्वेजेस हैं, जो मीनिंग्स पे काम कर रही हैं उन लैंग्वेजेस पे, उन लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, उनके सिमेंटिक्स क्या हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं। सो इन केस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वी डू नॉट इवन बॉदर कि उनके सिमेंटिक्स क्या हैं, बट वी लुक एट द सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस, उनका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्टिक वैल्यू क्या है, उनका जो सिंटैक्स बन रहा है, जो स्ट्रिंग बन रही है, व्हाट काइंड ऑफ सिंबल्स दैट स्ट्रिंग कंटेन्स। तो उसके सिंबल्स पे उसके स्ट्रिंग की फॉर्मेशन जो है, उसकी वो जो फॉर्म है, जो उसकी शक्ल है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन आवर केस। वी हैव फ्यू टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, देयर आर फ्यू टाइप्स लाइक Type 3, Type 2 एंड Type 1। दिस इज द नॉर्म चॉम्स्की के हरारी की, वी कैन से। और इसमें जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो Type 3 में अप्लाई कर रही हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे आगे जाके, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पढ़ेंगे, फ्री स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ट्यूरिंग मशीन्स आ जाएंगी, और टू इम्पॉर्टेंट जनरेटर एंड रिकॉग्निशन लैंग्वेजेस के अवेलेबल हैं, जिसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास द होल कोर्स विल रिवॉल्व अराउंड दीज कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये डिस्कस होंगे इस पूरे कोर्स में, जिसमें स्टार्ट होता है Type 3 लैंग्वेजेस से, जिसके अंदर रेगुलर लैंग्वेजेस हैं Type 3 के, जिनको आप DFA कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा,
नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दीज आर द लैंग्वेज रिकॉग्निशन डिवाइसेस। लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करेंगे। बट लैंग्वेज जनरेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होंगे उनको क्या कहेंगे, उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस कह रहे हैं, रेगुलर ग्रामर कह रहे हैं, आरजी। दीज आर ऑल द लैंग्वेज जनरेटिंग डिवाइसेस। सो दीज आर द लैंग्वेज रिकॉग्निशन डिवाइसेस एंड दीज आर लैंग्वेज जनरेटिंग डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी लैंग्वेज डिफाइन करेंगे और उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज्ड वेरीफाई हम करेंगे बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड टाइप, टाइप टू, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कंटेन PDA विच यू कैन से पुश डाउन ऑटोमेटा। This is the use for recognition of the language that are produced by CFG. Context-free languages जितनी भी develop होंगी उनको हम push down automata से क्या करेंगे, recognize करेंगे। इसी तरह type 1 में context-free, context-sensitive languages हमारे पास आ जाती हैं। CSG is context-sensitive grammar use होगी उसके लिए। वो जो भी language produce करेगी we can use LBA, linear काइंड ऑफ ऑटोमेटा समथिंग, जो उसको क्या करेगा, सी एस जी को रिकॉग्नाइज करेगा। एंड इन द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल हैव टाइप जीरो लैंग्वेजेस विच इज़ फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस, जिसको PSG आप कहते हैं, जिसको पुश डाउन ग्रामर्स कहते हैं या पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। तो उसके लिए जो लैंग्वेज रिकॉग्निशन डिवाइस यूज़ होगी वो ट्यूरिंग मशीन है। सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोमेटा कोर्स। इन फोर टाइप्स के अंदर पूरा जो कोर्स है वो कवर करेगा और ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो तमाम रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर ग्रामर्स, लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और ट्यूरिंग मशीन्स के लिए जो है वो घूमते रहेंगे। एप्लीकेशन जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बहुत सारी हैं। A few of them I mention here, the finite state machines are useful model for many important kinds of hardware and software. Hardware design और software design दोनों kind of जो technologies हैं उनके design के लिए हम लोग use करते हैं। For software designing digital circuits के लिए, digital circuits की designing करनी है, circuits में आप one state to another state move कर रहे हैं through the consumption of some variables or some input values, for transitions कैसे होती हैं, such kind of concepts। And lexical analyzer of a compiler, compiler आप design करते हैं उसमें जो lexical analyzer होता है, lexical क्या कि वो उसको पूरा lexical analysis कर रहा होता है, उसको understand कर रहा होता है आपके code को, उसको code को letter by letter understand करना, analyze करना किसी भी compiler को, उसमें help out होती है इसकी। एप्लीकेशन और सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स इन फाइल और वेब सर्चिंग टेक्निक्स में यूज़ होती हैं, क्योंकि इसमें ट्री और ग्राफ्स का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, आप आगे जाके देखेंगे, जिस जो सर्चिंग और कीवर्ड सर्चिंग में किसी भी फाइल या वेब के अंदर आप क्यूरी करते हैं उसमें भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एप्लीकेशन अवेलेबल। सॉफ्टवेयर फॉर वेरीफाइंग फाइनाइट स्टेट सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम है दैट हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, तो उसको आप वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट मीन्स अ लिमिटेड सिस्टम, दैट अ सिस्टम दैट कैन हैव फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स। सो सच अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ग्रैप है, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में जो है मेमोरी एलोकेशन, वेब मेमोरी में स्पेशली जो है इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। टेक्स्ट एडिटर्स आप लोग डिवेलप करते हैं, बिकॉज ऑल दिस टेक्स्ट एडिटर्स डील विद दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद दी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्टिंग कोड ऑफ योर एप्लीकेशन। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्स्ट एडिटर्स इम्प्लीमेंट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट्स टू डिवेलप दोज फैसिलिटीज फॉर द प्रोग्रामर्स। मार्कअप लैंग्वेजेस, ऑल द मार्कअप लैंग्वेजेस वी हैव HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस दैट इज अवेलेबल फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ वेब पेजेस, और क्योंकि उसमें भी जो मार्कअप लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें पैरेंट नोड होते हैं एंड देन सो ऑन सो फॉर, चाइल्ड नोड्स हैं आपके पास, डिफरेंट आपके पास टैग्स हैं जिनमें आप काम कर रहे होते हैं, तो उन टैग्स की कोई क्लास होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी, उसकी कोई क्लास होती है, टाइप होती है, दैट रिकॉग्नाइज दोज टैग्स। तो उसमें जो स्ट्रक्चर डिवेलप होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए
उसकी पार्सिंग के लिए, उसको एक्चुअली पार्स कहते हैं उन लिंक्स को, जो भी हाइपर जो भी एच रेफरेंस लगाते हैं, जो लिंक्स लगाते हैं उनकी पार्सिंग के लिए, जो है वो पार्सिंग टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगेन वही टेक्स से रेलिवेंट, जो भी टेक्स की अंडरस्टैंडिंग है, टेक्सचुअल फॉर्म जो टेक्स में अवेलेबल है हमारे पास, उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी जो एप्लीकेशन अवेलेबल है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। Now we have some general concepts, central concepts, हमारे पास symbols हैं। Now we are going to start the start to understand the basic building blocks of theory of automata. We have many things in theory of automata. We start with the symbol. Symbol is the basic element of any computational programming language. That represent could, that could be anything, that could be a character, that could be a number, that could be a special character or symbol. A symbol is a single object and is an abstract entity that has no meaning by itself. Itself ko koi meaning nahi hai, kyunki ek single character hai ya single element hai, koi bhi item hai, koi bhi special character hai. It can be alphabet, it can be character or special character. Next we have alphabet. An alphabet is a finite and non-empty set of symbols. Alphabet को हम represent करते हैं sigma से, and sigma जो है वो उसकी definition ये alphabet की कि वो non-empty set of symbols है, एक ऐसा set होगा जो जिसके अंदर कोई ना कोई symbols exist करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई empty set हो, right? For example, we have a set here, 0 and 1 is an alphabet with two symbols. एक ऐसा set है जिसके अंदर दो symbols हैं। एक और आप हमारे पास example है A and B, which is another example, it has alphabet with two symbols A and B. Or English alphabet is also an alphabet. So sigma is equal to 0, 1, or sigma is equal to the binary alphabet. We can read this set as like the binary alphabet. So alphabet is actually represents this sigma, and the value and the components of this sigma we always represent in curly braces, which actually shows you look like a set. So that's why we call this is a set, the binary alphabet. Niche ko example hai, the sigma is equal to a b and so on so far up to z, or we can say this set the set of all lowercase letters. That's it. So this is the way you can read such kind of sets easily. Next we have strings. Okay, we understand the symbols, we understand the alphabet, and now string. A string is a finite sequence of symbols chosen from some alphabet. Our pass alphabets available, we have multiple alphabets here. Un alphabet ke combination se jo hai wo kya cheez banti hai, wo string banti hai. Wo kya hota hai, finite sequence of सिंबल्स होते हैं, वही सिंबल्स जो अभी हम रीड आउट करके आए हैं, उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग डिवेलप कर सकते हैं। और ये एक सिंगल स्ट्रिंग की क्या एग्जांपल है हमारे पास, जिसके अंदर कोई एक ऐसा अल्फाबेट यूज हुआ है जिसके अंदर दो सिंबल्स थे, हम उस स्ट्रिंग के कम्बिनेशन से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं टोटल वो दो सिंबल्स यूज हुए हैं, और वो सिंबल्स क्या होंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो 0 और 1। So 0, 1, 1, 0, 1 is a string from the binary alphabet. Binary alphabet एक ऐसा alphabet हमने लिया है, set of symbols दिया, जिस binary हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही values हैं. So that's why we call it binary alphabet. उसमें 0 and 1 दो values जो हैं वो exist करती हैं. The number of symbols in a string is called the length of a string. So string के अंदर जितने भी number of symbols होंगे, जो उस दैट एक्चुअली यूज टू मेक दैट स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को बनाने के लिए जो सिंबल्स यूज हुए हैं, उन सिंबल्स जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो एक्चुअली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वी कैन इजीली कैलकुलेट अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी. But here in example you can see easily this is a string 0, 1, 1, 1, 0, 1. So in this string we have multiple symbols, a combination of symbols here,
और अगर हम इसको टोटल काउंट करें, वी हैव सिक्स सिंबल्स टोटल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज सिक्स एंड द नंबर ऑफ सिंबल्स आर टू. स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज डब्ल्यू, सो डब्ल्यू the length of W and the W contains 011, so the length of 011 is equal to 3, and the length of epsilon is actually representing the empty string or empty set, so the length of the epsilon is equal to 0. I hope you understand the basic concept of symbols here. So next we have few more concepts about strings. So the empty string, also called a null string, it is the string with length 0. So we have a string that have length 0, it means string ke andar koi bhi characters ya koi bhi symbols jo hai wo contain nahi kar raha. That's why we can say that this is an empty string. So that it has no symbols, usme koi symbols nahi honge. It is denoted with epsilon. Usko hum kis se डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एप्सिलॉन से. और एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन की अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ जो होगी एप्सिलॉन की हमेशा क्या होगी, जीरो होगी. पावर ऑफ एन अल्फाबेट, पावर ऑफ एन अल्फाबेट, इफ सिग्मा इज एन अल्फाबेट एंड वी डिफाइन द पावर ऑफ अल्फाबेट के टू बी द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, व्हाट डज इट मीन के सिग्मा के अंदर this is the sigma and it contains the set of strings. इसके अंदर जो set of strings होंगी, इस set के अंदर उन set of string की जो length होगी वो k होगी. the power actually जो है वो decide करेगी कि उनकी length क्या है, ठीक है. उनके उस set के अंदर जितनी भी strings हैं उन strings की length क्या होगी, the k is actually representing those lengths, right? each of those symbols is in sigma. तो उस अल्फ़ाबेट में जो है वो अवेलेबल होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द पावर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ ज़ीरो, व्हाट इज मीन के इसमें कोई ज़ीरो लेंथ के जो स्ट्रिंग्स हैं वो अवेलेबल है, और वो कौन सी होंगी, वो एम्प्टी स्ट्रिंग होंगी जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ द अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल टू 0 1, अगर अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के अंदर वी हैव ओनली टू एलिमेंट्स, दिस इज़ अ बाइनरी सेट, सो देन the power of alphabet, if it is 1, the kth value is 1, then the string in this set have length no more than 1. So 0 have length 1, 1 have length 1, so that's why we can represent both these strings have length 1. So in next example we can have the power of alphabet square. So so this is the this power is actually showing that the how many times a symbol can occur in the set. So is set ke andar jo symbols occur ho rahe hain unke occurrence kitne time hogi wo is power ko represent kar rahi hai, theek hai. aur ye jo power hai it is actually by default a base, it contains base 2, by default iski base 2 hogi, so that's why 2 raised to power 4 total elements उस जो है वो total elements अगर आपने find out कर रहे हैं तो by default base 2 होगी किसी भी alphabet set की. तो total number of elements 2 raised to power k कर देंगे, आपके पास total number of strings आ जाएंगी. but उन strings की power कितनी होगी, that k is actually telling you this length of this string. तो इसमें जो जितनी भी strings बनेंगी that combination of strings have power no more than 2. इसमें टू दो से ज़्यादा पावर नहीं होगी. इसी तरह हमारे पास एक और अल्फ़ाबेट की एग्जांपल है जिसमें पावर 3 है, और इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी इस सेट के अंदर तमाम स्ट्रिंग्स की जो पावर होगी दैट कुड नॉट बी मोर देन 3. सो हेयर वी हैव सो ऑल दिस स्ट्रिंग कंटेनिंग इन दिस सेट हैव पावर 3. सो 3 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती जितनी भी स्ट्रिंग्स जो है वो इस सेट में कंटेन कर रही होंगी. The set of all strings over an alphabet is denoted as alpha. इसको alphabet steric भी पढ़ते हैं. alphabet steric वो set है, the set of all possible strings जिसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें कोई restrictions नहीं है, कोई
सेट ऑफ रूल्स नहीं अप्लाई होते, बट इट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट. जो भी अल्फ़ाबेट गिवन होगा उसके ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो डिनोट करी जाएंगी अल्फ़ाबेट स्टैक से. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट ऑफ सिम्बल्स है 0 और 1, और इसको हमने डिनोट कर रहे हैं स्टैरिक के साथ. उसकी पावर जो है वो क्या होगी? स्टैरिक. व्हाट डज इट मीन के इस सेट ऑफ स्ट्रिंग जो इन अल्फ़ाबेट्स को इन सिम्बल्स को यूज़ करके सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगा उसमें तमाम कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे. उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगा, एप्सिलॉन भी होगा, सिंगल एलिमेंट भी होगा, सिंगल सिंबल भी आ रहा है, ये देखें 0 और 1, और उसमें ऑल कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्टेरिक है इट कंटेन्स ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. सो यू कैन सी हेयर 00 आ रहा है, 01 आ रहा है, 10 आ रहा है, कोई उनकी सीक्वेंस भी नहीं है, 11 आ रहा है, 000 आ रहा है, 111, सो ऑन सो फॉर. दिस डॉट्स एक्चुअली डिनोटेड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, बट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे स्ट्रिंग्स के वो अवेलेबल होंगे ड्यू टू द स्टेरिक एज अ पावर ऑफ द अल्फाबेट. सो पुट अनदर वे, अगर हम स्टेरिक को करते हैं तो स्टेरिक को डिनोट करें तो हमारे पास जो स्टेरिक डोनेशन है किसी भी अल्फाबेट का वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है तमाम पावर्स को, उसके अंदर सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं, और ये पावर्स ही हैं जो नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इस अल्फाबेट पावर 3 के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी सिग्मा 3 में, उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 3 होगी, यहाँ पे लेंथ 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी, और यहाँ पे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन जो जिसकी 0 लेंथ है वो इंक्लूड होगा. बट इफ़ वी हैव अ सिग्मा विद द पावर पॉजिटिव साइन प्लस, तो उसमें जो है वो सारे के सारे कम्बिनेशन होंगे एक्सेप्ट द 0, एक्सेप्ट द पावर 0. उसमें जो एम्प्टी सेट है जो एप्सिलॉन है वो लाई नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स लाई करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्ट्रिंग्स. नेक्स्ट वी हैव सम ऑपरेशंस ओवर स्ट्रिंग्स लाइक कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स है. लेट एक्स एंड वाई बी स्ट्रिंग्स, एक्स और वाई कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं, देन एक्स इंटू वाई, या एक्स वाई डिनोट्स द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय कंकैटिनेटिंग एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई एक नई तीसरी स्ट्रिंग बन जाएगी, और ये कैसे बनेगी? एक्स और वाई के कम्बिनेशन से इन दोनों को कंकैटिनेट किया जाएगा, एंड दैट इज एक्स वाई. एक्स वाई इज द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय अपेंडिंग द सीक्वेंस एज सिंबल्स ऑफ वाई सो टू दैट ऑफ एक्स. तो जिस सीक्वेंस में एक्स और वाई आप बना रहे हैं उसी सीक्वेंस में इन दोनों की जो स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं उनको आप कंकैटिनेट करेंगे, उनके सीक्वेंस का ज़रूर ख्याल रखेंगे. फॉर एग्जांपल एक्स है आपके पास, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए ए बी एंड वाई इज इक्वल टू बी बी ए बी, देन एक्स वाई कंकैटिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ए ए बी, यहाँ तक जो है आप एक्स से ले रहे हैं वैल्यूज एंड डबल बी ए बी आप वाई से ले रहे हैं. तो एक सीक्वेंस और सिम्बल्स को जो आपने जो है उसकी इंपॉर्टेंस का ख्याल रखना है जब भी कंकैटिनेट करना है दोस्तों. नोट दैट एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि जब भी एक्स एक्स वाई जब बनाएंगे तो आपके पास ये वाली स्ट्रिंग आएगी ए ए बी और डबल बी ए बी आपकी वाई से आ रहा है. अगर आप वाई एक्स बना दें तो डेफिनेटली जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो पहले आएंगी और एक्स की वैल्यूज़ ये वाली बाद में आएंगी, तो वो जो स्ट्रिंग बनेगी वो डेफिनेटली एक डिफरेंट स्ट्रिंग बनेगी. I hope you understand. This is all about today's lecture. और next lecture में हम देखेंगे कि इन्हीं symbols और strings को use करके हम लोग languages बनाते हैं, और languages actually होती क्या है, किस purpose के लिए use होती हैं. I hope you understand. कोई भी questions हो you can ask in the comment box as well. I will definitely try my best to answer. Thank you so much.